अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाएंगे मसालेदार आलू बैंगन क्विक इजी और सिंपल तरीके से। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए है 250 ग्राम छोटे वाले बैंगन। इसकी डंठल को निकाल देंगे और इसे लंबे टुकड़ों में कट कर लेंगे। 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, इसकी स्किन निकाल के इसे भी लंबे टुकड़ों में कट करेंगे। यहाँ पर एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर कटे हुए बैंगनों को डाल देंगे। इसमें पानी डालेंगे और बैंगन को इसी तरीके से पानी में डुबाकर साइड में रख लेंगे। दूसरा बाउल ले लिया है, इसके अंदर कटे हुए आलू डालकर इसमें भी पानी डाल देंगे और इसे साइड में रख देंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसे बारीक कट कर लेंगे। एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, जिसके 2 टुकड़े कर लेंगे। आधे को हम बारीक टुकड़ों में कट कर लेंगे और आधे की स्लाइस कर लेंगे। सब्जी में डालने के लिए मसाले का घोल बना के तैयार करेंगे। यहाँ पर एक बाउल ले लिया है, इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, नमक टेस्ट के हिसाब से। पानी डालकर हम इसका मिक्स बनाकर तैयार कर लेंगे। सभी मसाले को पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे करते हैं साइड। गैस पे मैंने पैन चढ़ा दिया है, इसमें हम डाल देंगे 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल। आलू डालकर फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है, मीडियम फ्लेम पर हम चलाते हुए आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके ऊपर गोल्डन कलर आ जाएगा, तब तक हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। आलू यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब इसे निकाल कर एक बॉल में रख लेंगे। इसी तरीके से हम बैंगन डालकर इसे भी फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है, मीडियम फ्लेम पर ही हम बैंगनों को भी सॉफ्ट होने तक भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले नए नए रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। बैंगन फ्राई हो गए हैं, इसे भी बॉल में निकाल के रख लेंगे। 1/2 टीस्पून डाल देंगे ज़ीरा, साथ में डाल देंगे 1/2 टीस्पून राई, 2 सूखी लाल मिर्च। ज़ीरा राई चटक जाए इसमें हम डाल देंगे कटी हुई प्याज। प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखा है, मीडियम फ्लेम पर हम प्याज को चलाते हुए भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। प्याज यहाँ पर थोड़ी सी हो गई है फ्राई, इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। प्याज के साथ अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छे से भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से भून लिया है, फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे घोल के रखा हुआ मसाला, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलाते हुए मसाले को हम मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। साथ में इसमें डाल देंगे कटा हुआ टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया, 3 से 4 हरी मिर्चें। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे कर देंगे कवर। कवर करके मीडियम फ्लेम पर हम इसे 2 से 3 मिनट तक टमाटर के सॉफ्ट होने तक पकने देंगे। इसे पकते हो गए हैं टोटल 3 मिनट, आइए चेक कर लेते हैं। टमाटर भी इसमें पककर सॉफ्ट हो गए हैं और अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई करके रखे हुए आलू बैंगन और कटे हुए टमाटर की स्लाइस। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है, मीडियम फ्लेम पर ही हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट हम इसे अच्छे से भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे और अब हम इसे कवर कर देंगे। कवर करके लो फ्लेम पर हम इसे 8 से 10 मिनट तक पकने देंगे। इसे पकते हो गए हैं टोटल 10 मिनट, आइए चेक कर लेते हैं। आलू और बैंगन हमारे फ्राई किए हुए थे तो ये जल्दी से पक जाएंगे। मसालेदार आलू बैंगन की सब्जी हमारी बनकर तैयार है। गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और इसे कर लेंगे डिश आउट। मसालेदार आलू बैंगन की सब्जी हमारी सर्व करने के लिए तैयार है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।